एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते टेक गुरु आया है गोवा में, जहां पर हम करने वाले हैं ढेर सारा वाटर स्पोर्ट्स और इसके साथ ही टेस्ट करेंगे गोप्रो का नया एक्शन कैम गोप्रो हीरो 5 ब्लैक एडिशन। और इसके साथ ही आज के इस एपिसोड में हम आउटडोर ही आउटडोर हैं, वाटर स्पोर्ट्स तो करेंगे ही, साथ में शिबानी आपको बताएगी कि अगर आप इस साल मैराथन रन करने जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी आपकी कैसे और कहां कहां मदद कर सकती है, तो ये सब इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे। पर सबसे पहले मैं जाता हूं पानी की तरफ। GoPro नाम तो आपने सुना ही होगा, एक्शन कैमरा बनाने वाली एक ऐसी कंपनी जिसके बनाए गए कैमरे किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। ये वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ डिजाइन के साथ बने ये एक्स्ट्रा रगेड कैमरा ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो शूट करने की काबिलियत रखते हैं जहां दुनिया के बड़े से बड़े कैमरे जाने की हिम्मत भी ना कर सके। इसीलिए GoPro के फ्लैगशिप कैमरों को हीरो कहा जाता है। और GoPro के नए नवेले हीरो 5 ब्लैक एडिशन के साथ थोड़ी बहुत हीरोगिरी करने टेक गुरु की टीम भी पहुंच गई गोवा, जहां के खूबसूरत बीच जहां एक तरफ फोटोग्राफी के लिए जन्नत है तो वहीं समंदर का खारा पानी किसी भी कैमरे का सबसे बड़ा दुश्मन। तो हम GoPro हीरो 5 ब्लैक एडिशन के साथ आपको गोवा की सैर तो कराएंगे ही, साथ ही इसके कैमरे को लेकर समंदर में डुबकी भी लगाएंगे। तो गेट Set, go! अब वक्त है कैटामैरान का। GoPro Hero 5 Black को कंपनी ने अपने पूरे लाइनअप में सबसे ज्यादा काबिल बनाया है। इसके अंदर कंपनी ने वो फीचर्स इनबिल्ट दिए हैं जिनके लिए अब तक GoPro इस्तेमाल करने वालों को अलग से एक्सेसरीज खरीदनी पड़ती थी। देखिए, मुझे तो तैरना आता है नहीं बहुत अच्छे से, पर फिर भी ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में मजा तो बहुत आता है, क्या करें, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। जैसे अब आपको अलग से LCD केसिंग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरो 5 ब्लैक में 2 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जो पानी में स्क्रीन के गीले होने के बाद भी आपकी उंगलियों को पहचानती है। इसकी स्क्रीन पर ही आप प्रीव्यू सेटिंग्स में बदलाव करने के साथ साथ छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। पर हम तो यही सलाह देंगे कि एडिटिंग के लिए आप इसकी पिद्दी सी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। पर स्क्रीन होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि इमेज कैप्चर करते वक्त फ्रेमिंग का पूरा और सही अंदाजा आपको हर वक्त मिलता रहता है। इसके साथ ही GoPro के सभी कैमरे अब तक वाटरप्रूफ तो रहते थे, पर सही केसिंग में कैमरे को रखने के बाद, यानी अगर आपका पुराना GoPro बगैर केसिंग के पानी में गिरा तो उसका राम नाम सती समझिए। पर GoPro Hero 5 Black को आप पानी में 10 मीटर की गहराई तक बगैर किसी केसिंग के ले जा सकते हैं। हमने भी GoPro 5 को पानी में उतारा और समंदर की लहरों के साथ खूब कुश्ती की, और हीरो 5 ब्लैक भी किसी सुपर हीरो की तरह जीतता गया। सबूत आपकी नजरों के सामने है। कयाकिंग करने से मजेदार और खुशी हो सकता, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं लगती है और मजा भी खूब आता है। By the way, मेरी कयाक से मैं तो गिर गया, ढूंढने जाता हूँ दोबारा। GoPro की एक एक्सेसरी बहुत काम की है, वो है ये रिस्ट माउंट। इस रिस्ट माउंट को आपने अगर हाथ में लगा लिया, पूरी तरीके से 360 डिग्री रोटेट होता है, आप चाहें तो सेल्फी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर इसकी LCD से देखते हुए फ्रेम बना सकते हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है, अगर आप GoPro खरीदना चाहते हैं ये एक्सेसरी ज़रूर लीजिएगा। अच्छा,
GoPro take photo. सीरी और ओके गूगल के जमाने में अब GoPro भी आपके वॉइस कमांड्स को समझने लगा है। हीरो 5 ब्लैक को आप कुछ बड़े ही आसान से वॉइस कमांड्स देकर वीडियो या स्टिल्स कैप्चर करने को कह सकते हैं। GoPro टेक फोटो, GoPro टेक अ फोटो। आपकी मुट्ठी में समा जाने वाला ये पोर्टेबल मगर रफ एंड टफ कैमरा 4K वीडियो शूट कर सकता है। बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी इसमें एडवांस्ड विंड नॉइज रिडक्शन दिया गया है, जिससे आपकी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड होती है, वो भी बगैर माइक पहने। GoPro Hero 5 ब्लैक एडिशन की कीमत है 38,000 रुपए और ये अब तक लॉन्च हुआ सबसे पैसा वसूल GoPro कैमरा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, GoPro Hero 5 जो ब्लैक एडिशन है, ये अब तक का सबसे बेहतरीन एक्शन कैमरा है GoPro की तरफ से, और इसके अंदर उन्होंने सारी वो खूबियां दी हैं जो अभी तक GoPro में आपको किसी एक्सेसरी की मदद से देखने को मिलती थी। फॉर एग्जांपल, LCD स्क्रीन दी गई है, बिना केसिंग की वाटरप्रूफ ये एक्शन कैमरा है। तो कुल मिलाकर अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना पसंद है, या इवन अगर आप अपनी पॉकेट में एक ऐसा कैमरा लेकर जाना चाहते हैं जो अच्छी क्वालिटी के वीडियोस भी शूट कर सके, साथ में आपकी पॉकेट के अंदर भी समा सके, तो GoPro Hero 5 ब्लैक से बेहतर इस वक्त बाजार में और कुछ भी नहीं है। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आइए और आपको मिलेंगी शिबानी, जो बताएंगी कि अगर इस साल आप मैराथन दौड़ने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी एक्सेसरीज होनी चाहिए। चक्रू में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और मैं तो यहाँ गोवा में वाटर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, पर शिवानी भी वहाँ मुंबई में कम मस्ती नहीं कर रही है, वो कर रही है अपनी मैराथन की तैयारी, और आपको बता रही है कि अगर आप भी इस सीजन मैराथन में दौड़ना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। तो शिवानी जी, कौन सी है वो टेक्नोलॉजीज? भागने दौड़ने का सीजन यानी मैराथन सीजन शुरू हो गया है। ये मेरा फेवरेट सीजन है, क्योंकि इस पूरे सीजन का मैं बखूबी इस्तेमाल करती हूँ हर दूसरे हफ्ते में एक मैराथन भागकर। तो आप भी मैराथन बड़े ही आसानी से भाग सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे डाइटरी प्लान के साथ। साथ ही कई ऐसे बाजार में एक्सेसरीज और गैजेट्स मौजूद है जो आपके रन के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान, दोनों के दौरान आपके काफ़ी काम में आएंगे। क्या है ये गैजेट्स, इसके बारे में आज के शो पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो घड़ियों से। मेरे पास, जैसे आपने देखा, मैंने पहनी है दो घड़ियाँ। एक है फीनिक्स 3 HR जो गार्मिन की घड़ी है, और दूसरी है एप्पल वॉच सीरीज 2 नाइकी प्लस। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्पल वॉच सीरीज 2 नाइकी प्लस के बारे में। बाकी एप्पल वॉचेस सीरीज 2 मॉडल्स की तरह एप्पल वॉच नाइकी प्लस बिल्ट इन GPS के साथ आती है, जो आपके पेस, डिस्टेंस और रूट को ट्रैक करती है, आपके पॉकेट में आईफोन ना हो तो भी। बड़े ब्राइट डिस्प्ले के साथ आई ये घड़ी एप्पल ने इस तरह से बनाई है कि वो आपके पूरे रनिंग मेट्रिक्स को ट्रैक करे और इसे पढ़ने में आसानी हो। और एप्पल वॉच नाइकी प्लस भी 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, तो रन के बाद पूल में डुबकी भी लगा सकते हैं। साथ ही मल्टी स्पोर्ट ऑप्शन के साथ साइकिलिंग, स्विमिंग, हाइकिंग सभी कुछ कर सकते हैं। ये घड़ी 38mm और 42mm के साइज में आती है और कीमत 32,000 से शुरू होती है। तो एप्पल वॉच सीरीज 2 का नाइकी प्लस एडिशन क्या अलग है इस घड़ी में? दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, एकदम स्ट्राइकिंग डिज़ाइन है इसका। दो साइजेस में आती है, 38 और 42 इंचेस, दोनों हाथ पे बेहतरीन लगती है, फट से झट से GPS पकड़ लेती है। तो अगर आप दौड़ करने जाए तो एकदम आसानी से GPS को ट्रैक करेगी, पूरे रन को या फिर पूरी स्विम को एकदम एक्यूरेटली ट्रैक करती है, हर एक मीटर टू मीटर आपको ये बताएगी। लेकिन एक खामी है, बार बार आपको इस घड़ी को ऐसे टर्न करके देखना पड़ेगा रन के दौरान, तो वो हमेशा करना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा। साथ ही बैटरी लाइफ एक बड़ा इशू है, क्योंकि बैटरी लाइफ, अगर आप फुल मैराथन भागना चाहे तो लगभग, अगर आप स्लो रनर है तो पूरे रन के दौरान शायद ही टिक पाए। लेकिन ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल वॉच। अभी दूसरी घड़ी की बारी, गार्मिन फीनिक्स 3 HR। ये भारी भरकम घड़ी मल्टी स्पोर्ट वॉच है जो बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर के साथ आती है, यानी आपके हाथ पर एक हार्ट रेट मॉनिटर होगा जो आपके हार्ट बीट को ट्रैक करता जाएगा।
सफायर और क्रोनोस इन दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल फीनिक्स 3 HR रिस्ट बेस्ड हार्ट रेट मॉनिटर के साथ आती है। 82 ग्राम की ये घड़ी साइज में काफी बड़ी है और आपके हाथ पर ये 16 mm की घड़ी काफी बड़ी भी लगती है। GPS के साथ आप रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, पैडल बोर्डिंग, गोल्फ, रोइंग, हंटिंग, फिशिंग, जिम जैसी कई सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ एक्टिवेट करने के बाद आपके स्मार्टफोन के साथ भी ये वॉच अच्छे से सिंक होती है। दमदार बैटरी लाइफ के साथ आने वाली इस घड़ी की कीमत है 52,000 रुपए। तो गार्मिन फीनिक्स 3 HR बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर के साथ आती है। हार्ट रेट मॉनिटर काफ़ी अच्छे से काम करता है। आपके हाथ पर ये घड़ी टाइटली फिट होती है, यानी आपकी हार्ट रेट ट्रैक करना काफ़ी आसान है। इतने ज़्यादा स्पोर्टिंग ऑप्शंस के साथ शायद ही कोई फिटनेस ट्रैकर वॉच आती होगी। चाहे आप स्विमिंग करना चाहे, रनिंग करना चाहे, साइकिलिंग करना चाहे, रोइंग, सर्फिंग, स्कीइंग, सभी कुछ एक ही घड़ी के ज़रिए आप कर सकते हैं। एक रिव्यू है, बहुत ज़्यादा भारी है। खासकर स्विमिंग के दौरान आपको फील होगा जब आप स्ट्रोक को पुल कर रहे हो तो हाथ में आपके दर्द ज़रूर होगा। दूसरी एक खामी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनिशियली शुरुआत के वक्त GPS को शुरू होने में, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है गार्मिन का। पर ओवरऑल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 50,000 की ये घड़ी है भाई, 50,000 में बाइक आ सकती है। अब बारी है शूज की और बात करते हैं नाइकी के जूम स्ट्रक्चर 20 के बारे में। जूम स्ट्रक्चर 20 ये क्या है? इनफैक्ट जूम स्ट्रक्चर ये नाइकी का 1991 में बनाया गया एक वेरिएंट है जो सालों से लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए स्टेबिलिटी शूज बनाता आया है। स्टेबिलिटी शूज यानी अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा प्रोनेट करता है, यानी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकता है, तो ये आपके पैरों को वापस अपनी पोजीशन में लेके आता है और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए एक अच्छी कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है। इसका ऊपरी हिस्सा मेश से बनाया हुआ है, मतलब ये कि लॉन्ग डिस्टेंस रन के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो आपको ये शू अच्छी ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही जो फोम कुशन दिया गया है वो आपके शूज़ को बहुत लंबे रन के लिए अच्छा आराम देता है और आसानी से आप एक मैराथन डिस्टेंस भाग सकते हैं। बारी है A6 के डायनाफ्लाइट की। A6 के डायनाफ्लाइट के पीछे भी एक कहानी है। लगभग 2 साल पहले A6 ने मेटारन नाम का एक शू निकाला था जिसे A6 लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए सबसे बेस्ट शू कह रही थी। क्यों था बेस्ट? क्योंकि उसमें A6 की पेटेंटेड फ्लाइट फोम टेक्नोलॉजी थी। वो बेस्ट था कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन A6 की वही फ्लाइट फोम टेक्नोलॉजी इसी शू में है और ये शू मेटारन से बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस रन के दौरान आपको एक वो हैवी फीलिंग जो मेटारन से आती थी वो बिल्कुल नहीं आएगी। साथ ही इसका ऊपरी हिस्सा काफ़ी ब्रीदेबल है, यानी आप स्वेट करें तो आराम से लॉन्ग डिस्टेंस रन इस शू में कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और गुड लुकिंग है ये शू। ये A6 की हमेशा से खासियत भी रही है। टिपिकली मैराथन्स विंटर सीजन में होते हैं और विंटर सीजन में भागने से पहले या फिर मैराथन में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने बॉडी को वार्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी को कैसे वार्म रखें? स्ट्रेचिंग वगैरह तो है ही, साथ ही एक जैकेट आपके काम में ज़रूर आएगा। जैसे अडिडास का ये जैकेट है, ZNE रोड ट्रिप नाम का ये हुडी बनाया गया है जो आपको बिल्कुल फोकस मैराथन पे फोकस मेंटेन रखने के लिए काम आएगा। ये खास एथलीट्स के लिए ही बनाया गया है, साथ ही बहुत ही टेक सैवी भी है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन
आईपैड वगैरह आप रखना चाहते हैं इस जैकेट में, तो अंदर ट्रांसलूसेंट पॉकेट दिए गए हैं जिसमें आप ये रख सकते हैं। कई इनविजिबल जिप्स है, जैसे हाथ पे एक जिप है जहाँ पे आप पैसे वगैरह कैरी कर सकते हैं, साथ ही अंदर के साइड भी बहुत ज़्यादा जिप और पॉकेट है। ये ट्रैवल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब अगर आप कहीं दूसरे लोकेशन पर जाकर या फिर एक घंटे दो घंटे दूर जाकर मैराथन भागना चाहे तो ये जैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर जिससे हम में से हर कोई जूझ रहा है। कैशलेस इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद एटीएम के बाहर लंबी लंबी भीड़ लग रही है और आपको कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। पर एक बात यहाँ पर ध्यान में है कि कैशलेस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगी ये जो मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, ऑक्सीजन वॉलेट हो गया, इस तरीके के मोबाइल वॉलेट्स काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। पर इतने सेफ एंड सिक्योर हैं ये मोबाइल वॉलेट्स, या फिर इन मोबाइल वॉलेट्स को इस्तेमाल करते वक्त क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने कुछ रिसर्च की और आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिससे आप सेफ कैशलेस इकोनॉमी के हिस्सा बन सकते हैं। आइए देखिए। देश में नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा चांदी तो मोबाइल वॉलेट कंपनियों की हुई है। जेब में 2000 रुपए का नोट है, अब 6 अंडों के लिए अगर नोट दिया तो ये मेरी बुर्जी बना देंगे। ओ भाई साहब, छुट्टे की चिंता मत करो, पेटीएम करो। बड़ी मोबाइल वॉलेट कंपनियों के बिजनेस में तो पहले से 5 गुना ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। सहूलियत के कारण भी कंज्यूमर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं। पर आखिर ये ट्रांजैक्शन सिस्टम कितना सेफ एंड सिक्योर है? मान लीजिए आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है एंड मतलब जिसे कहा जाए आप इतनी ज़्यादा समझदार हैं कि आपने अपने स्मार्टफोन में पासवर्ड भी नहीं डाल के रखा, तो ऐसे मेरा चोर की चांदी हो गई ना, वो करेगा क्या? आपके मोबाइल वॉलेट ऐप को लॉन्च करेगा और उसके अंदर जितने भी पैसे हैं उससे शॉपिंग कर सकता है, किसी भी तरीके से उस मोबाइल वॉलेट को खाली करके आराम से रफू चक्कर हो जाएगा। तो ऐसे में टिप नंबर 1, अपने मोबाइल फोन को कभी चोरी ही ना होने दें। पर खुदा ना खास्ता अगर आपका फोन चोरी हो भी गया तो उस पर कम से कम पासवर्ड तो तगड़ा होना ही होना चाहिए, और अगर आपका स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट स्कैन से सिक्योर हो तो बात ही क्या। इसके साथ ही फोन की सेटिंग्स में फाइंड माय फोन का ऑप्शन हमेशा ऑन रखिए, जिससे फोन अगर चोरी हो भी गया उसके बाद भी आपको अपने फोन की लोकेशन पता चल सकती है। इसके अलावा आप दूर बैठे अपने फोन के अंदर से सारा जरूरी डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में होती है। आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका पर्सनल डिवाइस है, पर्सनल मतलब एकदम पर्सनल। ऐसे ही हर किसी को अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने ना दें, ऐसे एक्सचेंज ना करते रहें अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि ऐसे में धोखा हो सकता है। इवन इफ़ पॉसिबल तो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं, वेल अगर हो सके तो। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखिए, आजकल बाजार में मोबाइल वॉलेट ऐप्स की बहार आई हुई है, पर आप अपने स्मार्टफोन में सिर्फ उन्हीं मोबाइल वॉलेट ऐप्स को जगह दें जो जाने माने हों, ट्राइड एंड टेस्टेड हों और आपके जानने वाले फ्रेंड्स एंड फैमिली उस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हों। आपके फाइनेंशियल डेटा की सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। इसके अलावा कुछ और चीजें ध्यान में रखिए, जैसे अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स कभी भी अपने स्मार्टफोन या ब्राउजर के अंदर सेव ना कीजिए। इसके साथ ही अपने पासवर्ड को वक्त-वक्त पर बदलते रहिए। साथ में अगर आपके मोबाइल वॉलेट ऐप के अंदर 2-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है तो उस ऑप्शन को जरूर इस्तेमाल में लाइए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी डबल हो जाती है। पर ऑन ए सीरियस नोट, एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ साथ
मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियों को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे वक्त वक्त पर उनके ऐप की सिक्योरिटी का वैलिडेशन होता रहे। On this note, Tech Guru पर अब इस गोवा स्पेशल एपिसोड को करते हैं टाटा अलविदा गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। बाकी इन द मीनवाइल आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब। तो आप अपना प्यार हमें देते रहिए, हम गैजेट्स का रिव्यू आपके लिए हर हफ्ते इसी टाइम लाते रहेंगे। On this note, stay connected.